आज के सुंदरी विशेष रूप से मेरे हृदय में जाने कितने दिनों से बात है ये आश्रम कम से कम हिंदुस्तान में बन जाए और उसके बाद और कोई आश्रम बन सकते हैं। हम लोग सब चीज ईमानदारी से करना चाहते हैं लेकिन इस कलयुग में ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट दिखाने पड़ते हैं। हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार हैं और सहयोग में एक बात जाननी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी, अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, ये सब जरूरी था। इसलिए किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहयोग का आश्रम बनाया गया तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से भी नहीं बनी। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम देख मुझे बड़ा आनंद। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने लिया था और सारा श्रम आपने किया और इसलिए इसका श्रेय भी सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग कितने अकर्म में उतर गए हैं कि आप जानते ही नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। अगर सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाती। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान, आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करता और इसलिए मैं आपसे शरणागत हूँ। एक तरह से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी और जहाँ कहोगे वहाँ मैं स्थापित हो जाऊंगी। लेकिन इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार को कुछ भी बहुत आसानी से हो जाता है। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इससे कितना रुपया दिया कि क्या दिया, ये तो सारा सहयोगियों का रुपया, मेरे जेब से तो मैंने इसका पैसा नहीं दिया लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ क्योंकि मेरे लिए भी तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना। आप लोग तो बना ही रहे हैं लेकिन मुझे भी कुछ देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व, एक आनंद का सागर, हर चीज से आपको आनंद गर्भ दे तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर दिए लेकिन आप पे वो आनंद उसकी प्रसिद्धि न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कमी रह। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको भागा पड़ा, ये सब कुछ एक खेल, ये सब एक खेल और इस खेल को हमने जिस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया।
घर बनाना, मकान बनाना, ईश्वर बनाना, ये सब एक खेल। अगर आप ईश्वर के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो कि कोई चीज कमी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है, उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती है और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जहाँ कर जाकर आप कहते हैं कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। वही हाल आज मेरा हो रहा है ये सारा देख करके। वैसे तो सारा विश्व ही बनाया है लेकिन ये जो भी बनाए, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते हैं तो उसको देख करके बड़ा अद्भुत सा आनंद होता है। ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम, इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही है। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है। क्या शिव तत्व के दिन, इस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है। वो आज का दिन जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट अटल अविनाशी, और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट अचल और अविनाशी, इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत एकजुट की दो यातनाएं और उसका प्रकांड तांडव चला हुआ है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता है। उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बसाया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई गई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती है और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज न्यूक्लियस हुआ। सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश, लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था, उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव स्वरूप, सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति कहें। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है तब कोई सी भी सृजन क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागृतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं और फिर वही जाकर की चीज जब सो जाती है तो सब चीज को सुप्तावस्था में चला जाता है। ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव का तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं, क्योंकि तो अपने यहाँ भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, उनकी बात और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें
तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य, बाकी सब चीजें विनाशी, ये हम लोग जानते हैं। सारी चीजें विनाशी हैं और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी अकल की बात नहीं। विनाशी चीजें जहाँ है वहां है, अपनी सीमा में रहे, लेकिन इनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर जाता है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी। यही चीज विदेश में लोग भूल गए। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए प्रबंध सा बना दे, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव तत्व, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मानो, और हम जानते हैं इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चला जाए तो भी हम जिंदा है, अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा है, अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं, पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहां शिव का तत्व है फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते। तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला, भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख, भोलेपन का मतलब है पवित्र, अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो कुछ भी, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा। इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई दे देगा। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या उपयोग, तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश। और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचीति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचीति होना ही एक बोध है, इसी को वेद कहना चाहिए जो वेद है, इसी को नॉलेज कहते हैं जो ज्ञान है, यही शिव तत्व को जानना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र, ये प्रेम सबसे बड़ी चीज। अपने हृदय को खोल, शिव तत्व को अपने में समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल, हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती है वो हमें देखना। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं ममत्व, मैं मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहां ममत्व शुरू हुआ वहां शिव तत्व खत्म होने लगे। अब शिव जी को देखे कहाँ रहते, कैलाश पर, जहां कोई भी नहीं रह सकता वहां बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनके क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं, लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत है। तो मुझे कौन सा आराम मिलेगा, हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहां जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहां क्या इंतजाम होगा, वहां ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी, वहां किस तरह से रहने को मिलेगा, वहां कौन सा इंतजाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज की परवाह नहीं। शिव तत्व वालों का पहली पहचान है वो मस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से
महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है, जहां है वहां वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि तो स्वयं आनंदमय होने की वजह से और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में शिव, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी, ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं औलिया। माने आप कहीं सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं वहां जाकर बैठ जाए, उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहां पे ऐसा करना है, ये करने का है, ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होता है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात, जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा, जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा होगा, नहीं तो यहाँ पर क्या, कौन रहेगा, जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले यहाँ पर, उनका माँ आप तो रहेंगे, मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए, तो एक मेरे लिए मत आश्रम, आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जाएंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है, उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए, ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना मेरा ये चीज मेरी, ये मेरी चीज है, मेरे बच्चे मेरे पास है, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं यहाँ भी, परदेश में ये प्रश्न नहीं, परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते, अभी क्या हुआ तो घर भर बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते, अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज, बस यहाँ रहेंगे सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे, सब लोग मिलकर काम करेंगे, और कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग, किसी चीज को हम बिलोंग कर गए, और हम लोग हैं छुटक छुटक घूमे रहते। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, ये बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े, क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं, अगर होता रिश्ता अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है, मतलब इसमें वास्तविकता नहीं, उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती, एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता। तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को इसकी परिस्थिति आएगी, अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए, लंदन में हम थे एक साहब मेरी जान को लगे, तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे, जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा ले इसको कैसे, मैंने कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली, अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसी कोशिश करूँ, मैं कैसे इसको निकाल कर दूंगी, मेरी सर खा, तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे। वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, झूठा है। अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य रहता, उसमें यह नहीं भावना आती कि ये मेरा है, मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। अगर सच्ची भावना आती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है
कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो। उल्टे अगर आप सहयोग में हैं तो आपकी टांगे खींचे, अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, और तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जाएंगे। फिर और भी तमाशे खड़े कर, क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि चैतन्य, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद आ कितना। एक बार कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आए, वो मेरे पैर पे आते साहब 8-10 वहां जितने भी सहयोग थे दौड़े दौड़े, बता क्यों क्या हुआ, पता नहीं क्या एकदम से खुद नहीं चलते एकदम खुल गई। तो मैं कर जाकर देखे माँ को क्या एक रियलाइज हो साहब, अब वो सब खड़े हुए, वो बेचारा झुका ही बैठा बैठा उसको तो छोड़ो पकड़ लिया उसको। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना है ना कमल के फूल से है, ऐसे उसका मजा उठा रहे। ये असली रिश्ता हुआ कि बैठे कहां थे वहां से भागे भागे क्या मजा आ रहा है। जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी, यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा प्यार और उसका आनंद, ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता। अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आपस में झगड़ ही नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं, कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाते, कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाते। लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज अमेरिका में हो गई तो सारे सहयोग दौड़ दौड़ पर, कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त वहां दौड़ गया, इतनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जाना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना मैंने मैंने कहती कि हम सन्यासी बाबा बन गया है, पर अंदर से संन्यस्त भाव आना चाहिए। अंदर से संन्यस्त आने भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो सैप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल पे जाता है फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाच पूरी तरह से असंग में अटैच्ड होता, तब आप शिव तत्व में स्थित हो। और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा आने लगता, नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले इन्होंने ऐसा किया, शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गई, जिसका उसका आपस में झगड़ा, न किसी को आपस में मजा आ रहा है न कोई आपस में प्यार कर रहा है, जिसका झगड़ा उससे उसका झगड़ा उससे, मैं तो देख देख सोचती हे भगवान मैं क्या यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने लगा। लेकिन धीरे 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 दिमाग ठंडे हो गए, शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे हैं और जान रहे हैं कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बेस्ट। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा ये क्या चीज है, अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है वो है शिव तत्व। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं, जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। इतनी भी कोशिश कर ले तो भी वो रिश्ता बन नहीं, उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ भी कर ले आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं सकता। या तो आपके वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशंस खराब, तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी के वाइब्रेशंस खराब है तो क्या मेरे खराब हो गए, मेरे खराब है तो क्या इसके खराब हो गए, और एक तरह की संभ्रांत भ्रांतिमय स्थिति आ जाए, आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशंस किसके खराब। तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके की वाइब्रेशंस ठीक नहीं उनसे दूर रहना चाहिए, उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें दोनों का लाभ है। अगर आपके अंदर शिव तत्व जागरूक है तो आप उनसे अलिप्त रहें, इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुखकारी या बुरा कहें,
लेकिन उनका भी शिव तत्व ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि आप अपना शिव तत्व को ठीक, क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जैसे कि कोई कहे कि दूध में आप दही डाल दीजिए, सब तो डिटैच नहीं है, ऐसा तो होता नहीं। दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो जाए, आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगाओ उस थ्योरी का काम नहीं, उसके सामने जाके प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कुछ करो, दूध में आपने दही डाल दिया। और जिन लोगों के वाइब्रेशंस खराब है उनको पूरी तरह से डायडेंस देना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा और तू आपकी शांति और आपके शिव तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ये आदमी कितना शांति में बैठा है, मैं भी ऐसी शांति में क्यों ना बैठू, इस शांति को मैं क्यों ना उसका क्यों ना मैं उसका उपभोग। इस तरह का आपका जीवन उस शांति में, सादगी में, प्रेममय में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, जो अभी इतने बैठे नहीं है सहयोग में, वो धीरे धीरे बैठे नहीं। लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है, हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं, उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम इसीलिए सहयोग में भी आए, और सहयोग में आकर के अगर आधे अधूरे रह गए तो क्या फायदा, हमने क्या प्राप्त किया, उससे हम जिस रास्ते पे आए हम पीछे में बैठ गए, मंजिल तक तो पहुंचे। इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें करी हैं और बताया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए विशेष रूप से शिव तत्व की बात करनी चाहिए। सो शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, और मैं तो उल्टे करूं, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का तो आपका हृदय एकदम से संकुचित होता है, एकदम छोटा होता है, और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से बहना शुरू। आज्ञा चक्र चढ़ता है अहंकार से, क्योंकि आप इस राजधानी में रहते हैं और सब घोड़े पे सवार लोग हैं, आप भी सोचते हैं बच्चों को जरा पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए। सो दिल्ली शहर में मेरी जब शादी होके आई तो मैंने मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया, यहाँ लोग चलते तो जमीन पर है पर गर्दन उनकी ऊपर ही चलती है, और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए उनको कुछ समझ में नहीं आया, एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और भोली सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ रहे, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पर जा रहे हैं, कुछ समझ भी नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहां से उठकर 6 फुट चलती, और इसका कारण ये कि अहंकार, इतना अहंकार, एक चपरासी भी अगर बीवी घर में आए तो वो शनील के सूट पहन करके लिपस्टिक विपस्टिक लगा करके पहुंची घर में, मैंने सोचा कोई मेमसा भी होगी, नाखून रंगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल, और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई मेमसा होगी, तो मैंने उससे कहा चाहिए उनको सोफे में बिठा दिया, तो बैठे ना, मैंने कहा आप बैठिए बैठिए, मैं कैसे बैठ सकूं, मैं कहा तू आप बैठिए, आप हैं कौन, मैं आपके चपरासी की बीवी, तो मैंने कहा कोई हल्के बैठ जाइए अब आप। और फिर जितनी उसमें घमंड थी,
मैंने देखा कि उतनी तो कलेक्टर के नहीं हो, तो मैंने कहा जब इनका ये हाल है तो कलेक्टर की भी क्या होगी। और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की, मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लगे, जैसे वाय पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे, समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते कर, तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीनाबाग में एक जगह मिली, पहले मीनाबाग में रहती हूँ। तुम्हारे पति क्या करते हैं? अरे कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है, ऐसा भी क्या तो आफ्टर ऑल ये मीनाबाग में तुम रहती हो, किससे शादी करी थी? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत। अरे उसको क्या चाटना है, तुम क्या मीनाबाग में रहते? मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ या कहाँ रहते हैं। मैं कहा तुम कहाँ रहती? कहले मैं तो वहां रहती हूँ राउज आवेली। मैं कहा वो कहा? वो पुल के पास। कहा तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास पेपर है, उसमें क्या है, कहीं भी हो रहते तो शान से, मेरा पति तो ये है मेरा पति। पहले तो मेरे यही नहीं समझ में आता था कि एडिशनल अंडर ये सारे प्रीपोजिशंस का क्या मतलब। मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कहने लगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अकल है, लेकिन तुम तीन पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज हायर लोअर है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद ही नहीं है। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ भी नहीं आता है कि तो सारे प्रीपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता है। पर आज जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई लड़की दीदी है कि क्या, जो भी सोचा हो पता नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है मैं मीनाबाग में रहती हूँ, तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह दी हम रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए। तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार किसी को करते हैं चाहे जो भी, तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, तो ये भी नमस्ते करने लगे। तो उससे कहने लगे तुमने क्यों नमस्ते किया? वो तो मेरे पति है ना, उनको क्या नमस्ते कर। ये तुम्हारे पति है, फिर तुम मीनाबाग में क्यों रहती? तो जैसे कि कोई वो एरवड़ा का जेल है कि क्या मीनाबाग में, उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या? ये तुम्हारे पति, अरे तुम तो बड़े आदमी की बीवी हो। मैं कभी मेरी पता नहीं भी लंबे हैं मेरे हस्बैंड। तो कहले तुम तो मेरी गवार, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए। मैंने कहा काहे के लिए? तो कहले वाह इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए? तो कभी मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता, क्योंकि सफाई वफाई करे मुश्किल जाती है। तो कहले क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं? मैंने कहा है, पर उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी, ऊपरी तरह से बात, ऊपरी तरह का टाल बात। उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक एक फोन करती थी, मैं तो परेशान। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीनाबाग से घबराती थी और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीनाबाग, समझ में नहीं आता। इस तरह की ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग
क्या हो जाएगा अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कहते कि आप घोड़ा है, तो वो घोड़ा राय एक तरफ, वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों का कि हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या समझता है, और ये सब बाहर की लादे हुए गोबर के टुकड़े उनको लेकर के कौन सी शान बघारते हैं। ये तो कल गिर जाएगी, सब चीज गिर जाएगी, ये सब विनाशी चीज रखा क्या। आज बड़े कुर्सी पे बैठे कोई भी आदमी हो, कितना भी खराब हो, बिल्कुल ढूंढ रहा है प्रसिद्ध लोफर हो, कैसा भी हो, वो कुर्सी पे बैठे सब हाथ जोड़े खड़े, वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं कि किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे। अच्छा, और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया तो उसकी सारा कच्चा चिट्ठा आप पूछ लीजिए। जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी बढ़ गए, भगवान ही लोग उसको कहते। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस जमाने में जब आते थे हमारे हस्बैंड को मिलने तो पूछते थे वो भगवान जी हैं, उन्होंने कहा कौन भगवान जी, वो भगवान जी है भगवान जी। तो मैंने कहा फिर शास्त्री जी कौन, अरे वो परम भगवान, आप कौन, मैंने कहा यहाँ मैं नौकरानी हूँ। तो तब से मैं अपने पति को भगवान जी चढ़ाती हूँ, कहना बस करो मुझे मत चढ़ाया करो। इस कदर का घमंड, इस कदर का जोर, इस कदर की जबरदस्ती, और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से एक विचार आता है कि ओ, मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ कितना क्या उनकी पोजीशन है, और उन लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट मालूम कि उनका नंबर इतना तो उसका नंबर उतना तो उसका ये, मैंने कहा ये क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे हो, ये किस लिए तुम इस तरह की बातें कर। और उन लोगों की बातें मुझसे समझ ही में मेरे आती नहीं थी, क्योंकि बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी, इसको ये प्रमोशन मिला, उसको वो प्रमोशन, अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें, एजुकेटेड हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी, वो ना कुछ पढ़ना ना लिखना ना कुछ जानना ना कोई बातें, बस ये पति की नौकरी कौन सी, उसी के प्रकाश में मार अपने को कुछ तो कुछ। इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़, ये जो कुछ भी व्यवसायियत है ये अब खत्म हो जाए, अब असलियत पर आना है, क्योंकि अब सहयोगी, और सहयोगी के लिए ये जरूर है कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब सब चीज ठीक है, लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखेगा कि अंदर वो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है, आपकी जो शान है वो देख रहे हैं दुनिया, कहते कि है ना ये ऐसी आप है, आपकी लेंद आप क्या चीज। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेंगे हुआ क्या नाम लेंगे। ये सहयोगी की बात होती है, एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार इस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया तो हमें कोई सता ही नहीं सकता, कोई दुख ही नहीं ले सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी तो हमें कौन सा दुख हो। इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली बिल्ली है, एक घोड़ा नहीं, और बिल्ली पे बैठा नहीं जाता नहीं तो बिल्ली मर जाती। ये नहीं सोचना है कि हम बिल्ली में रह रहे हैं तो हम कोई विशेष, जैसा ही ये सोच लिया ऐसे ही आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास्पद इडियोटिक हो जाए। एक और भी मजेदार बात कि एक साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, एक साहब वहां बहुत खुद रहे थे, तो
तो उनका साहब आप इतना क्यों घूम रहे हैं, आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। अच्छा पिए हैं, अच्छा नमस्कार, ये तो पिए हुए आदमी है। तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव हो जाए, और उसमें भी मेरे जैसी एक दो गवार औरत थी, तो हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चा करते थे, बहुत कम। लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें, जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली, उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चढ़ जाते। फिर हर चीज में ये मेरा घर, एकदम उनका नैपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फोन करेंगे, भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन खरीद ले। अरे भाई एक गया तो गया चूल्हे में गया, एक किसी का चम्मच खो गया तो उसके लिए वो सारी दुनिया में फोन करेंगे कि भाई वो एक मेरे यहाँ से चम्मच खो गया। ये शर्म भी नहीं आती किसी चीज, ये बेशर्मी से इस तरह की कंजूसी की बातें करना, और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ, ये बनाओ, अपना श्रृंगार करो, और अंदर से तो आप इतने तुच्छे छोटे तबीयत के लोग, उनको क्या इतना महत्व दे जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए, इतनी बर्बाद चीजों के लिए परेशान कर। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता कि किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं, और होते ही कितने तुच्छे, कितने लो लेवल। उनसे तो एक चीज नहीं छूटती, एक इतनी सी चीज किसी के पास रह जाए उनके प्राण निकल जाए, वो सब अपने साथ ले जाने वाले। तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज को सोचते हैं, तो संसार की सारी चीज जो है वो हमारे लिए क्षण भंगुर है, किसी चीज का महत्व उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतर ही जो चेतना है उसी का प्यार। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं कश्मीर गई थी, तो वहां 5 मील दूरी पर मुझे वाइब्रेशन आए, मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो वहां से चलो, वो से कहने लगा कि यहाँ तो कोई चीज नहीं, मैंने कहा नहीं चलिए यहाँ कुछ होगा, तो जाके देखा तो बहुत मुसलमानों को ऐसे छोटे छोटे घर थे। आगे जाके पूछा यहाँ क्या है, पहले यहाँ हजरत इकबाल का एक बाल है। मेरे अभी लोग क्या करेगा, एक बाल हजरत इकबाल माने कौन, मोहम्मद था, एक बाल वहां रखा हुआ, और 5-6 मील के मैंने उसे पकड़ा, वाइब्रेशन से आप सोच लीजिए कि एक बाल में क्या शक्ति होगी। इसी तरह से ये आपका जो आश्रम है, इसकी मिट्टी पत्थर सीमेंट सीमेंट जो भी लगा है उसका महात्म्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर बसे हुए मेरे बच्चों का महात्म्य है, इन्होंने अपनी मेहनत से प्यार से बनाया, और हर चीज इसकी वाइब्रेट करे। आगे लोग मेरा फोटो न मिले तो इसी के बाहर बैठ कर तो वाइब्रेशन दे, ये आपके ऊपर निर्भर है। जब आप इसके अंदर आए, याद रखें कि आप अपने शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं, शिव तत्व को पाने आ रहे हैं, उसी को जानने आ रहे हैं, और जिस आदमी में शिव तत्व होता है वो आनंदमय है, हंसता खेलता है। जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मार, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मेरा ही मन करता है कि 2 थप्पड़ इनको। जब आपके अंदर शिव तत्व जागृत हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना के क्यों आए, और सवेरे से माफ करो माफ करो, भाई काहे की माफ करो, सवेरे से चलता है माफ करो माफ करो माफ करो। मैंने कहा देखो फिर से मत कहना माफ करो, नहीं तो एक लगाऊंगी। क्योंकि बात यह है कि हम लोग को शिव तत्व को प्राप्त है और हमारे अंदर आनंद की उर्मियां उठ रही है, हम सीरियस कैसे हो सकते हैं, कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया। और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए, तो ऐसा मुंह लटका लेते हैं जैसे स्मशानी में चले जाते हैं। कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते बोलते देखा नहीं, ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता है बीवी गूगल निकाल के 10 कदम पीछे चलता, वो बिचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके। और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना,
किसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात करा तो समझ लेना चाहिए इसकी वो बीवी नहीं है। इम्पॉसिबल। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है कि सामने। और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में है, घर उसे बात भी नहीं करने का, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से लगे, जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध, किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य करती है जो ये चाहते हैं। इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे, उसे कहना चाहिए कि ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व ले जाते। शिव अपने ढंग से, पार्वती अपने ढंग से। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से हो जाओ और पार्वती ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से, ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लास्ट जिसे कहते हैं प्यार मनमुटाव चलते है। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो तभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद होता। जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं, तो उस वक्त में समझ लीजिए ये आनंद खत्म। और इतनी बेवकूफी की बात है, जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते रहे, आपस में सहयोग आपस में मेल जोड़ रहे वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गृहस्थी में भी किसी तरह से मेल जोड़ होना चाहिए। ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद में। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इतने भी चुनती हैं आदमियों से बहुत दिल्ली में मैंने देखा, उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे। अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व है, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को भी पा सकते, उसे सुख पा सकते हो, उसे आप अहंकार को अपने पाल सकते हो, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं। आनंद के लिए तो आपका अपना शिव तत्व है उसको पा, तो फिर दुखी रहने कौन सी बात। अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है, हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, जितने साल तक हम इंडिया में रहे हमारे पति ने एक दिन छुट्टी ली सारे, एक वो भी इसलिए छुट्टी ली एक दिन, एक दिन मौलाना आजाद मर गए थे और सब चीज बंदी हो गई। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन हूं, मुझे क्या, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम कर रहे दो, और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है, तो उनको बार बार सताने से फायदा क्या और तकलीफ देने से फायदा क्या। उल्टे तो वो थकते आए, उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद पड़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती और शाम को चाहती कि आदमी 12 एक बजे तक उनको घुमा देती। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर पूरे रात भी घुमाए आपको आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि तो आपका आत्मा ही जागरूक, आपका आत्मा जागरूक कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए आपस, लेकिन कुछ मुझमें कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे तो और उनमें भी कमी। अगर ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख,
तो जब तक आनंद में रहना, आनंद में रहो, ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख करता है। आज इसलिए मैं बता रही हूँ, पुरुष निस्संग में आ जाए, निस्संग कोई भी चीज उसको न रोके, जहाँ किसी भी चीज की लालसा, किसी भी चीज की इच्छा उसको न दबाए, तब कहना चाहिए वो सहज होगी, तब वो सहज योगी होगा, जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं, ये चीज नहीं है चलो दूसरी चीज, वो चीज है चलो दूसरी चीज, ऐसा जो मस्त रहता आदमी उसको कहना चाहिए वो सहज होगी। और आशा है इस दिल्ली शहर में आप इस तरह से लोग तैयार होने वाले और होंगे, क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है, जो आनंद है, लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद होते, और आनंद की जो एक लहर होती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं इतनी खुश होता हूँ, मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं, प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठा, यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती है ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है आप बदल, जहाँ पे दोस्ती है आपस में, इसको काट उसको खींच उसको ये कर, एक को नीचा कर एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार, इससे बढ़ के और माँ को खुश नहीं, ये भी दिन हो जाए तो मैं कि इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल। आशा है आज आप लोग अपने शुभ को स्थापित करें।